टाटा जर्मन स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल भी लगाया है। तो नॉर्मल में ये रहता है ना कि नीचे की तरफ आपको कोई एडजस्ट करने के लिए नहीं होता, इसके अंदर आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पर रियर व्यू कैमरे का पहले अपना ब्लैक था जो कि अपना XM एक्सी वेरिएंट में आता है, तो इसको अगर आप चाहते हो उस तरीके का प्रीमियम टच देना तो आप इसको क्रोम फिनिश में करवा लेना। टाटा जेन्युइन ही है, नीलेश कार एक्सेसरीज पे आज आई हुई है अपनी टाटा की नेक्सॉन। तो नीलेश भैया कौन सा वेरिएंट है ये मॉडल जो हमारा XM वेरिएंट है, तो इसमें कौन कौन सी आज एक्सेसरीज लगवा रहे हो? इसमें हम लगा रहे हैं पहले तो एंड्रॉइड सीट कवर फ्लोरिंग, उसके बाद डैम्पिंग और पीछे की ब्रेक लाइट। पीछे की ब्रेक लाइट टाटा जेन्युइन रहने वाली, टाटा जेन्युइन, उसका रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स वाले, हाँ जी, और हेडलाइट में LED है, वेलकम प्लेट है, और ओरिजिनल टॉप मॉडल में जो हमारे स्टार्ट था वो भी लगा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ एक्सेसरीज है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो चुका है। डोर्स के अंदर डैम्पिंग भी की जा रही है, तो डुअल लेवल डैम्पिंग है, दोनों ही यहाँ पे तरीके की आवाज़ आ रही है, तो साउंड क्वालिटी में काफी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। और स्पीकर कौन से लगा रहे हो भैया? स्पीकर भी कंपनी के, कंपनी के स्पीकर, हाँ, स्पीकर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एंड्रॉइड कौन सी कंपनी का है? एंड्रॉइड हमारा गीगासोनिक, 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। 1 साल की। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाली? 2 GB RAM 16 GB इंटरनल, 2 GB RAM 16 GB इंटरनल के साथ रहने वाला है। तो बाकी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डुअल लेयर वाली जो डैम्पिंग है, अंदर की तरफ एक सीट जो है वो लगाई जा रही है यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद जो बाहर वाली सीट है वो भी आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ किस तरीके का है। यहाँ पे कंप्लीट आप चेकआउट कर सकते हो, तो प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इससे काफ़ी अच्छी आपको जो है ना बाहर की जो रेटलिंग नॉइसेस वगैरह हैं वो गाड़ी के अंदर नहीं जाती है, बाकी साउंड की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड हो जाती है। भैया इंटीरियर में कौन कौन सी चीज़ें लगा रहे हो? इंटीरियर में भैया सबसे पहले तो हमारा एक फ्लोरिंग है, तो ये कंप्लीट फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग की गई है। तो ये कौन सी वाली फ्लोरिंग कहते हैं भैया? ये डाई वाली होती है, प्रॉपर एज टू एज फिटिंग होगी ये। जिस तरीके से मतलब फ्लोर होता है उस तरीके से कास्टिंग की जाती है, तो यहाँ पे प्रॉपर फिटमेंट आपको देखने को मिल जाती है। तो पीछे पूरा कंप्लीट ये कवर रहने वाला है, सीट आएगी तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। सीट कवर भी लग रहे हैं, सीट कवर बंद है, ऑन ऑर्डर भी आगे डिमांड है, उस वैसे बना के लगा रहे हैं। तो फुल बकेट रहने वाले हैं, किस तरीके से फुल बकेट सीट कवर्स रहेंगे? स्टीयरिंग कवर है, स्टीयरिंग कवर का भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसे कोई डिजाइन वगैरह कहते हैं क्या होता है? मून डिजाइन कहते हैं, मून डिजाइन कंप्लीट जिस तरीके से टॉप मॉडल में आपको मिलता है उस तरीके की आपको यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह देखने को मिलने वाली है। एंड्रॉइड लगने वाला है, एंड्रॉइड यहाँ पे आप देख सकते हो XM वेरिएंट है, तो इसमें शायद कैनवस भी लगता है ना भैया? कैनवस भी लगेगा नीचे वाले बटन चालू करने के लिए, और कैमरा भी लगेगा पीछे बम्पर में, मूविंग वाला पूरा बम्पर में नहीं, OEM टैप लगाएंगे पता भी चलेगा बाहर से लगा हुआ। ठीक है, तो वो भी कंप्लीट आपको उसका भी इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो काफी कुछ एक्सेसरीज है, मतलब XM को आप टॉप मॉडल बना लोगे प्रॉपर। तो बाकी काम देखते रहिए, और अगर आपने कोई जो भी एक्सेसरीज लगवानी हो तो आप जा सकते हो कहाँ पे, नीलेश कार एक्सेसरीज पे, नंबर भैया के नीचे मेंशन हो ही रहा है। दोस्तों जैसे कि अपना XM वेरिएंट है या बेस मॉडल XC भी अगर आप लेते हो, तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं ना वो आते हैं ब्लैक कलर के साथ। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी मिल जाता है कि आप चाहो तो इसको क्रोम इंसर्ट के साथ इस तरीके से जो है चेंज करवा सकते हो, जैसे कि भैया करवा रहे हैं। यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया जा रहा है, और जो चारों डोर हैंडल्स हैं ना कुछ तरीके से आपको मिलते हैं जो कि कंपनी से आते हैं, इसको चेंज किया जा रहा है, और ये कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसका जो इंस्टॉलेशन रहने वाला है ना यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो प्रॉपर आपको टाटा की जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको कंपनी वाले टाटा जेन्युइन ही इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जो बेसमेंट में जहाँ पर जो कस्टमाइज सीट कवर्स है वो तैयार किए जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी जो स्टॉक सीट आती है कंपनी से, उसके ऊपर जो अपोल्स्ट्री मिलती है फैब्रिक वाली, वो आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ तरीके की आपको ट्रायरो वाली मिलती है, तो इसको यहाँ पे स्टिचिंग ओपन करने के बाद जो है बकेट फिटमेंट का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। नीचे पर आप जो है ना रोड वगैरह देख सकते हो, तो यहाँ पे कंप्लीट, और इधर की तरफ अपने सीट कवर्स हैं वो आ चुके हैं, किस तरीके का है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो बकेट बनाने के लिए यहाँ पे क्या है प्रोसेस वो चेकआउट कर सकते हो, जो इसके अंदर निकलती है ना पाइप उसको इसके अंदर डाल देते हैं जो सीट कवर बनाते हैं, इसका डालने के बाद वो अपनी आयरन क्लिप पे इसको क्लिप कर दिया जाता है। सीट कवर भी आपको दिखाता हूँ किस पैटर्न के अंदर बनाया गया है। तो यहाँ पे अपना कुछ तरीके का जो है डुअल कलर के साथ कॉम्बिनेशन में अपना जो बर्फी डिजाइन है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने सीट कवर जो है यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, और ये फुल बकेट रहने वाले हैं। फॉगलाइट कौन से लगा रहे हो आप? फॉगलाइट इसमें लगाएंगे भी हम IPS जो हमारे वो प्रोजेक्टर वाले रहने, तो इसके पीछे LED लगा रहे हैं, HID लगाएंगे 85 वॉट की, HID का इंस्टॉलेशन रहने वाला है। तो लगने के बाद बहुत जबरदस्त आउटपुट हो जाएगा इसका। और एंड्रॉइड कौन सा रहेगा? एंड्रॉइड लगेगा भैया अपना गीगासोनिक का, 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी, रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ 216 की स्पेसिफिकेशन, 2 GB RAM 16 GB इंटरनल। तो इसका भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया जा रहा है। कपलर टू कपलर सारा रहेगा ना? कपलर टू कपलर रहेगा, और फॉगलाइट के साथ रिले भी रहेगी या वायरिंग के? ये जो हमारी वायरिंग के वाली लगेगी आगे की, ये स्पेशल बनी हुई है फॉगलाइट के लिए, RD की अपनी रिले रहने वाली है। तो इससे कोई हार्म वगैरह जो है गाड़ी को नहीं पहुंचता, ना कोई वायर कटिंग होती है। ये बना ही स्पेशल जो हमारा फॉग लाइट के लिए, जो प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के, पूरा सॉकेट बना हुआ हमारा। तो इसमें फ्यूज व्यूज सारा कुछ रहता है लगा हुआ, तो कोई भी अपनी हार्डनेस वगैरह जो है वो कट ही नहीं जाती, कोई भी कट नहीं होता, सारा कुछ अपना कपलर टू कपलर रहने वाला है। हेडलाइट के अंदर भी कोई अपडेट है? हेडलाइट में हमारी LED लगी हुई है, जो हाई बीम में हमने नाइट लगाई है,
और लो बीम हम सी एन एल ई डी लगाई है, 100 वाट की होती है पूरी। और ये कितने वाट की रहती है? ये होती है हमारी 60 वाट की। तो भैया ये लगाने के बाद जैसे कि आप लेडी लगा रहे हो तो इसमें कोई अपना बैटरी के ऊपर कोई इशू तो नहीं पड़ता? चलते गाड़ी में भैया कुछ भी लगा लो, कोई वो नहीं, प्लग एंड प्ले, नॉर्मल ब्लफ निकाला और ये ब्लफ लगा दिया, कुछ भी वायरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भाई नेक्सॉन का जितना भी मॉडिफिकेशन था सारा कुछ हो चुका है। अब नीलेश भाई से पूछते हैं कौन कौन से सीरीज का इंस्टॉलेशन किया गया है। तो ये अपने प्रोजेक्टर लगाए गए हैं यहाँ पे, आईपीएच वाले हैं ना, और इसमें एचआईडी लगाई है, 85 वोल्ट अपनी एचआईडी रहने वाली है। ऊपर आते हैं उसके बाद लो बीम में हमने डाली है एलईडी, 100 वाट वाली, उसके बाद हाई बीम में भी डाली हमने एलईडी। और इसका कंप्लीट आउटपुट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, और लकीली नाइट टाइम में आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ, कितना आपको विजिबल देखने को मिल जाता है ये आप देख सकते हैं। तो हाईवे वगैरह पे आपको ना बिल्कुल क्लियर जो है इसका विजन देखने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली। लाइट का आउटपुट अब बहुत ही जबरदस्त हो चुका है। सबसे पहले हम इंटीरियर की बात करें तो हमने लगाया इसमें एंड्रॉइड, कितने इंच स्क्रीन के साथ है? 9 इंच स्क्रीन के साथ है, 2 GB रैम है, 16 GB इंटरनल। सबसे प्लस पॉइंट है ये 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। ओके, रिप्लेसमेंट गारंटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड में हमने किया इसमें वही है स्टीयरिंग कवर, आप देख सकते हैं जैसे मून डिजाइन कहते हैं, ब्लैक विद ऐसे के लिए जो सीट कवर है हमारा, ठीक है। एक इसमें हमने टाटा जेन्युइन स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल भी लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल फेयर भी किया हुआ है, फेयर करके बाद दिखाएंगे अभी आपके मतलब किस तरीके से। प्लस ये माइनस, ठीक है, बाकी फोन कनेक्ट है नहीं अभी, बाकी सब वर्किंग है। टोटल अपना यहाँ पे आपको पेयर मिल जाता है, और एंड्रॉइड जो आफ्टर मार्केट लगा हुआ है थोड़ा सा उसका फिटमेंट भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको, किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। और ये बिल्कुल प्रॉपर फ्रेम के साथ इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो तो पैनल गैप वगैरह आपको देखने को इसमें नहीं मिलेंगे, बिल्कुल इसका फ्रेम के साथ इंस्टॉलेशन किया गया है। उसके बाद भी हमने ये चीज चेंज की है, पहले हमारा ये लगा हुआ था नॉर्मल शीशा, तो नॉर्मल में ये रहता ना कि नीचे की तरफ आपको कोई चीज अपना एडजस्ट करने के लिए नहीं होता, इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो नाइट टाइम में अगर आप कभी ड्राइव करते हो तो आपको रिफ्लेक्शन से बचना है तो आप ये लगा, ये वाला जो है वो रिप्लेस करवा सकते हो। और मेरे साथ भैया ये भी टाटा जेन्युइन है, ये टाटा जेन्युइन है, ठीक है। बस कैमरे का आउटपुट दिखाना चाहो, नाइट टाइम के अंदर आपको यहाँ पर रियर व्यू कैमरे का आउटपुट दिखा देता हूँ, किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। मतलब बिल्कुल 9 इंच स्क्रीन है, उसके बाद भी ग्राफिक वगैरह आपको फटते हुए नजर नहीं आएंगे, पीछे कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है, फिर भी आप देखो तो बहुत दूर लाइट जल रही है, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ना साइड में आपको क्योंकि इसमें कैनवस इंस्टॉल किया गया, एक्स्ट्रा मॉडल था, इसमें कैनवस लगाया जाता है जो मेन, ये सब वर्क होगा आपको, ये सारा कुछ वर्किंग कंडीशन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा कुछ डोर खुला हुआ है, डोर का पूरा स्कैनिंग इसमें सब कुछ आ गया। और इसके अंदर पार्किंग असिस्ट भी आता है, जैसे कि कोई पीछे की तरफ आके खड़ा होगा तो जिस साइड में होगा ना उस तरीके का आपको इंडिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रेड कलर की आपको मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। अच्छा भैया गाइडलाइंस के बारे में पूछना चाहूंगा, ये अपने मूवेबल है किस तरीके? मूविंग कैमरा है, मूव करेंगे बैक गाइड डालेंगे, दोनों गाइडलाइंस आपकी मूव हो जाएगी। तो मूविंग के साथ है, और नाइट विजन में आप इसका जो है परफॉर्मेंस चेकआउट कर सकते हो, किस तरीके की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा क्या लगाया भैया? इसके अलावा भी हमने ये लगाया, डोर हैंडल हमने चेंज किए हैं, तो जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ पहले ये लगा हुआ था, अभी ये तो पहले अपना ब्लैक था जो कि अपना XM XE वेरिएंट में आता है। तो इसको अगर आप चाहते हो उस तरीके का प्रीमियम टच देना तो आप इसको क्रोम फिनिश में करवा सकते हो, और क्वालिटी भी काफी अच्छी है, टाटा जेन्युइन आपको ये मिल जाता है। साथ ही ट्विटर भी इंस्टॉल किया ना भैया? हाँ, इसमें दोनों कहते हैं आगे और पीछे दोनों, उसमें ट्विटर भी हमने लगाया है। तो 4 स्पीकर तो कंपनी देती है, ट्विटर भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। कौन सी कंपनी के ट्विटर लगाए हैं? ओके, हर्ट्ज कंपनी के ट्विटर लगाए हुए हैं आपने। तो भैया जैसा आप देखोगे अंदर की तरफ हमने नेक्सॉन बैजिंग की वेलकम प्लेट भी लगाई है, ब्लू लाइटिंग के साथ अपना ये रहता है। अगले वाले डोर के अंदर आपको कुछ इतनी बड़े साइज में मिल जाती है, और जो रियर डोर होता है ना उसके अंदर थोड़ा साइज छोटा होता है क्योंकि डोर के हिसाब से बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और नाइट टाइम में इसका आउटपुट बहुत ही परफेक्ट आ रहा है, दूर से भी आपको नेक्सॉन पढ़ने में आसानी से नजर आएगा। तो जिस तरीके से इसका नाम वेलकम लाइट है, तो आप जब इसका डोर खोलेंगे तो ये आपको वेलकम करती हुई जरूर से नजर आएगी। उसके अलावा क्या इंस्टॉल किया भैया? उसके बाद भी हमने लगाया इसमें सीट कवर, तो ये सीट कवर अपने कंप्लीट देख सकते हो, फिटिंग किस तरह की हो चुकी है, फुल बकेट सीट कवर जिस तरीके से मैंने आपको दिखाए थे वो यहाँ पे बनाए गए हैं। और बीच में आपको कंप्लीट बर्फी डिजाइन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे फिटिंग, पंचिंग वाला अपना रीड कपड़ा है बीच में भैया? हाँ, बीच में आर पार डॉटेड है एयर पासिंग के लिए, ठीक है। तो ये अपना रहता है, और प्रॉपर फिटिंग आप चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है, और कहीं से भी आपको रिंकल वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, एकदम एग्जैक्ट जो है वो फिटमेंट देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। एडजस्ट वगैरह भी बिल्कुल आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे, कोई आपको शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हमने नीचे फ्लोरिंग की है जो कि हमारे क्रोकोडाइल डिजाइन के अंदर होने वाला है। क्रोकोडाइल डिजाइन मतलब मगरमच्छ वाले डिजाइन के अंदर है ये अपनी डाई वाली फ्लोरिंग है। इसमें पहले हमारे साथ नहीं था, ये नॉर्मल स्पेस होता था और ये खाली रहता था, तो इसमें हमने सेटर वाला ये पहले तो देखेंगे अभी सेटर टाइप का हमारा है, ठीक है, और इसका भी हमारा स्पेस में हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से कंप्लीट आपको टॉप मॉडल में मिलता है वही आपको यहाँ पर ये कंप्लीट इंस्टॉल किया गया। टाटा जेन्युइन ही इंस्टॉल किया गया। किसी चेक करा दूंगा पुराना पे स्पॉन्सर के बंदे ना कि दूसरी क्या हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी चलता है मार्केट में। ठीक है, नहीं ऐसा वो नहीं है, सारा कुछ अपना नया लगाया गया, टाटा जेन्युइन लगाया गया है। तो प्रॉपर आप इसकी जो है वो फिटमेंट वगैरह भी देख सकते हो। नीचे की तरफ आपको जो है मैग्नेटिक टाइप का जो है वो मिलता है, सेम वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ तरीके से, ये आप चेकआउट कर लीजिए। और टाटा की आपको यहाँ पर मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, स्टिकरिंग की गई है, तो प्रॉपर आपको टाटा जेन्युइन है वो देखने को मिल जाता है। बाकी रियर सीट का जो आउटपुट है वो आप चेकआउट कर लीजिए, किस तरीके की आपको फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह देखने को मिल जाती है वो आप यहाँ पे कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं, कैसी आपको रहती है आप कंप्लीट फिटमेंट देख सकते हो। बेस वाले मॉडल में पार्सल टे भी नहीं आती है, उसमें हमने टाटा का जेन्युइन जो आप देखोगे यहाँ लोगों के साथ पार्सल टे भी आइटम्स दिया हुआ है। तो ये एम्बोस लोगो आपको टाटा का देखने को मिल जाता है, सेम अपनी आउटर मार्केट भी आती है लेकिन उसमें ये यहाँ पे लोगो नहीं होता है तो उसकी ये पहचान रहती है। और जो मैं आपको कह रहा था जो हमने सामने से लगाया था आप देखेंगे पीछे का, तो ये आता है अगर आपके गाड़ी के अंदर आमबेस नहीं तो पीछे आपको कुछ तरीके का मिल जाता है। तो ये कम्प्लीट जो है ये असेंबली कम्प्लीट चेंज हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे लगा। तो ये इस तरीके से रहती है कंप्लीट, तो इस कंप्लीट असेंबली निकल के नया जो आमरेस का फिटमेंट है वो टाटा टच जेन्युइन वाला वो लग जाता है इसके अंदर। ये अपना हैंडल क्रोम लगा हुआ है, साइड बीडिंग विद क्रोम इंसर्ट के साथ है, ये आप कंप्लीट देख सकते हो। तो ये दो एक्सेसरीज है ऊपर की तरफ, कंपनी से लगवा के आए हो तो किसी को चाहिए होगा तो मेरे पास मिल जाएगा, मेरे पास चार क्वालिटी के दो चाहिए। अच्छा ये कंपनी वाले हैं, अपने पास अगर आफ्टर मार्केट चाहिए तो मिल जाएंगे, क्रोम और दोनों मिल जाएंगे ना, नॉन क्रोम भी मिल जाएगा। ओके तो काफी सारी वैरायटीज हैं, आप देख सकते हो कौन कौन से आप लगवाना चाहते हो। उसके बाद ये रोबलेट भी कंपनी से लगवाए हुए थे, मेरे पास भी मिल जाएगा सेम, एक हमने इसमें शार्क फिन एंटीना लगाया है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो, इसमें तो रेडियो वाला एंटीना आता है ना पोल वाला, तो शार्क फिन लगवाना चाहे तो कोई भी आप इस तरीके का लगवा सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें एड ऑन किया है रिफ्लेक्टर लाइट, जो पार्किंग इंडिकेटर जो हमारे तीनों काम पे बैठ गया है, पार्किंग इंडिकेटर तीनों पे वर्किंग है, हमारी तीनों पे वर्किंग है। तो एक बार दिखा भी देते हैं, तो जब भी आप इंडिकेटर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, जिस साइड का उस साइड का देख सकते हैं इंडिकेटर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ का इंडिकेटर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से रनिंग कंडीशन में आ जाती है इस तरीके से। और स्टार्ट जब करोगे तो ये अपना स्कैनिंग मोड पे आती है, और ब्रेक प्रेस करोगे लाइट थोड़ा सा और ज्यादा ब्लिंक करती है इसमें। बाकी पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ ब्लैक कवर लगा हुआ था, मैं आपको भी चेक करवा दूंगा अभी जो होता है, हमने ये लगाया। तो ये अपनी टाटा जेन्युइन थी ना भैया, ठीक है। बाकी एक और चीज यहाँ पे बढ़िया वाली, अपना जो कैमरा है, बाकी यहाँ पे अपना जो है कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपना जिस तरीके से आपको टॉप एंड मॉडल के अंदर देखने को मिलता है ना प्लेसमेंट जहाँ पे रहती है, तो वहीं पर की गई है, मतलब दूर से देखने में आपको बिल्कुल भी आफ्टर मार्केट वाला जो है फील देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सारा मोटिवेशन कम्प्लीट हो चुका है, एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ उनका फीडबैक रहा है। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले मैं शुभ नाम बताइए। रंजीत। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? कानपुर से। तो कोई वीडियो वगैरह देख करके आए थे आप यहाँ पे या फिर डायरेक्ट? यूट्यूब पे वीडियो देख के आए थे। देख के आए थे तो कानपुर से आप यहाँ पे आए हैं, बाइक मॉडिफाई होती होंगी तो वहाँ से आप यहाँ पे आए हो, कुछ डिफरेंस वगैरह आपको मिला है? बिल्कुल डिफरेंस मिला, यहाँ पे काम देख के आए तो जो जैसा देखा था वैसा पाया है, वैसा सेटिस्फेक्शन के साथ हो गया है। नंबर देना है 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 10 में से 11 दे देना। 11 दोगे मतलब एक एक्स्ट्रा ही हो गया नीलेश भैया को। तो नीलेश भैया कितना कुछ खर्चा आया टोटल इसमें? अगर इस वाली गाड़ी का अगर आप टोटल बजट मानोगे तो ये है 75 के अराउंड, पूरी क्वेश्चन मांग चलिएगा। ठीक है तो सर आपने नंबर भी दे दिया है, और इन फ्यूचर में कहूँ नीलेश कार एक्सपीरियंस को कभी रिकमेंड करना हो, आपको आना हो या अपने दोस्त वगैरह को, तो करोगे रिकमेंड? बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई गाड़ी के लिए, और फीडबैक देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।